हे गाइस, मेरा नाम है इमरान शेख और आप देख रहे हो इमरान 16। और आज मैं आया हूँ कोलकाता में, और कोलकाता में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है पता? इधर ईंट बनते हैं, तो ये ईंट की फैक्ट्री है और जो इधर ईंट है वो बनता। तो अभी फिलहाल के लिए तो आपको पता नहीं है क्या ईंट बनता है। हाँ, इतना पता है कि ऐसा मट्टी लो, वो शेद दो, उसको गर्म करो और ईंट बन जाता है। हाँ, ऐसा ही होता, पर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़ा। अगर दिखा सकते हो आप तो आप दिखा दो, कितने सारे इधर ईंट रखे लाइन से और उधर भी ईंट रखा हुआ है, हर जगह ईंट रखा हुआ है। ये सब रिजेक्टेड ईंट है। और फिलहाल के लिए तो हम आगे जाएंगे और आगे जाके आपको बताता हूँ कि किस तरह से ईंट बनता है। तो फिलहाल के लिए तो इधर ईंट अभी बन के रेडी है। जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। तो अभी आपको मैं बताता हूँ। तो बाजू में नदी है, तो इधर का जो ये सॉइल है थोड़ा नरम टाइप रहता है अंदर से, तो उधर को सॉइल को जो है मट्टी उसको खोद के निकाला जाता है, उसे शेप दिया जाता है, और शेप देने के बाद उसे लेके जाना जाते हैं इसके अंदर। ये एक भट्टी है और ये एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, और आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता। आप आइए 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 आइए। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ लॉजिक क्या आता है। जो कच्ची मिट्टी रहती है उसको इधर बिछाया जाता है, ये पूरा जो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें पूरा ईंट बिछाया जाता है। फिर जो ये आला जो सॉइल है जो अभी मेरे हाथ में फिलहाल के लिए, ये सॉइल को उसमें ढका जाता है, ढकने बस के ऊपर कोयला रखते हैं और नीचे पूरा आग लगा देते हैं। तो क्या होता है कि जो ईंट रहता है, ईंट के ऊपर एक लेयर रहता है सॉइल का, उसके ऊपर रहता है कोयला का लेयर। तो जो कोयले के भाप से वो जलता है, जलता जलता वो जो आपको अंदर जो गैप देख रहे हो वो सब जगह एक मेरा ये इलीगल हो सकता है पर मैं कर रहा हूँ। इधर इधर पूरा मतलब जो कोयला गर्म होता है, ईंट से जो भाप निकलता है वो इसके अंदर जाता है और उधर से निकलता है, ये पूरा एरिया पैक रहता है और ऊपर धुआं निकलता है। ये एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। इधर से जितना भी ईंट है उसको प्रेशर लगता है, उसको हीट मिलता है बराबर से, और मिलने के बाद वो इधर से जितना भी हीट निकलता है, जितना भी वो गैस धुआं जो भी है वो इधर से थ्रू ऊपर निकलता है। और दूसरी बड़ी बात जो है, ये अभी क्लीन किया है क्योंकि इधर कल होगा, उधर प्रोसेस चालू है, तो वो प्रोसेस भी आपको दिखाता हूँ। A few inches later, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या उसको ढाक देते, तो आप उधर देख सकते हो एक लेयर ऊपर, अभी उधर मैं जा नहीं सकता क्योंकि उधर प्रोसेस चालू है, उसको ढका हुआ है। मतलब ये जो एरिया है पूरा ऐसा ओवल शेप में अंदर से है, वो एरिया ढाक के अभी वो जो वर्कर है वो अभी आराम कर रहे हैं। आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या पता वो कैमरा में कैप्चर होगा या नहीं, लेकिन इधर देखिए रेडी ईंट है, उधर भी रेडी ईंट है, और आपने पीछे 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 आइए। A few inches later, और इधर भी पूरा ईंट रेडी, एक बार कैमरा बताना। तो आप देख सकते हो ये पूरा ईंट है, ये पूरा ईंट, मतलब इस पर अच्छा खासा बिल्डिंग बन जाएगा, इतना सारा ईंट अभी रेडी स्टॉक में रखा हुआ है। शायद ये ईंट कच्चा है क्या अभी? ये हाँ अभी ये ईंट कच्चा है, इसको अभी भट्टी में लेके जाएंगे। और ये सब रेडी ईंट है, जो रेड कलर के हो चुके हैं वो सब रेडी ईंट है, और जो ऐसा सैंड कलर के वो भी रेडी हुए हैं, लेकिन इसको अभी भट्टी में तपाना बाकी है। तो ये था एक छोटा सा व्यू, ओवर व्यू पूरे भट्टी का। आप लोगों को थोड़ा अजीब लगता रहा, लेकिन जो मैं इधर आया हूँ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा ये सब चीज़, क्योंकि हम लोग जब भी देखा गया ईंट उसको भट्टी में तपाते और बनता, लेकिन जो भट्टी रहता है वो बहुत ही कम लोगों ने देखा है। तो भाई चाबी देना। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ही नहीं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इमरान 16। और बाद में मिलते हैं। वो काटेगा नहीं का? चलो चलते ही आज।